नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईटीबीपी ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम के तहत इन किसानों को सब्सिडी देगी बिहार सरकार। बीपीएससी के नए अध्यक्ष आज से संभालेंगे कार्यभार। बीपीएससी 66वीं के रिजल्ट में छोटे शहरों से उभरी प्रतिभाएं। बारबाडोस को रन कर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईटीबीपी ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने कांस्टेबल के कारपेंटर मेसन प्लम्बर ट्रेड में कुल मिलाकर 108 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को मैट्रिकुलेशन के साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अवधेश मिश्रा की। अवधेश मिश्रा एक भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें भोजपुरी, साउथ इंडियन और बॉलीवुड फिल्मों में नकारात्मक किरदार के लिए जाना जाता है। इनका जन्म आज ही के दिन 5 अगस्त 1969 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुतिहारा में हुआ था। अवधेश मिश्रा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में विलन को एक नई पहचान दिला दी, जिसके कारण आज भी लोग अवधेश मिश्रा को ही विलन के रूप में देखना पसंद करते हैं। 49 वर्ष के अवधेश का जन्म 5 अगस्त 1969 को सीतामढ़ी में हुआ था, लेकिन उनका निवास स्थान मुंबई है। वर्ष 2014 में उन्होंने अपने तमिल फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म पुजारी में राय बहादुर के किरदार से की थी। इसके बाद वर्ष 2015 में बॉलीवुड फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में जब्बर सिंह के रोल में नजर आए। अवधेश मिश्रा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम के तहत इन किसानों को सब्सिडी देगी बिहार सरकार। पारंपरिक फसलों की खेती से इतर अधिक आय देने वाली खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बागवानी किसानों के लिए बिहार सरकार की तरफ से अच्छी खबर है। इन किसानों के लिए सरकार 7 निश्चय 2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई आधारित ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम लेकर आई है। इसके तहत खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। आपको बताते चले कि इस योजना के अंतर्गत कम पानी में होने वाले शुष्क फलों हेतु 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 वार्षिक किस्तों में लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इसके तहत 875 हेक्टेयर में खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। बीपीएससी के नए अध्यक्ष आज से संभालेंगे कार्यभार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अतुल प्रसाद को बीपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मालूम हो कि आरके महाजन, जो कि अतुल प्रसाद से पहले बीपीएससी के अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल 4 अगस्त को खत्म हो गया है, जिसके बाद 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अतुल प्रसाद को इस पद की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि आज यानी 5 अगस्त से प्रभावी होगी। 15 अगस्त को सभी स्कूलों को खुला रखने का मिला आदेश। देशभर में 15 अगस्त के मौके पर सभी क्षेत्रों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने सभी प्राइवेट स्कूलों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि इस दिन सभी स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है, और इसके मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस पर सभी स्कूलों को खुले रखने का निर्देश दिया गया है। नितिन नवीन ने यहां तक कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी स्कूलों में प्रोग्राम होगा। इस बार अगर किसी स्कूल को बंद रखा जाएगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नवोदय विद्यालय में 11वीं में नामांकन के लिए इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। नवोदय विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र 18 अगस्त तक नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नामांकन विज्ञान, वाणिज्य, कला और वोकेशनल संकाय के लिए किया जाएगा। जो छात्र अपने जिले या राज्य के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10वीं कक्षा पास हैं, वही विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट navoday.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
बीपीएससी 66वीं के रिजल्ट में छोटे शहरों से उभरी प्रतिभाएं। बीपीएससी द्वारा निकाले गए 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में छोटे शहरों की प्रतिभा उभर कर सामने आई है। टॉप 10 में कम से कम 6 ऐसे अभ्यर्थी चयनित हुए हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। सफल होने वालों में कोई आंगनवाड़ी सेविका का बेटा है, तो किसी के पिता खेती किसानी, तो किसी के पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर तैयारी शुरू की और सफलता पाई है। बीपीएससी के पहले टॉपर सुधीर कुमार की माता प्रमिला कुमारी राजा पाकड़ में, एएनएम पिताजी वीरेंद्र महुआ पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। दूसरे टॉपर अमरत्य ने 5वें प्रयास में यह सफलता हासिल की है। 5वें टॉपर सिद्धांत ने 2017 में बीटेक किया और पहले अटेम्प्ट में यह मुकाम हासिल किया। चौथा रैंक लाने वाले अंकित सिन्हा की मां आंगनबाड़ी सेविका हैं, तो वहीं पहले प्रयास में 8वां रैंक हासिल करने वाले सदानंद एक किसान के बेटे हैं। शिक्षक और छात्र दोनों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी। प्रदेश में शिक्षक को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से बनवाई जाए। बता दें कि बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी बनवाने की बात लंबे समय से कही जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अगले एक माह के अंदर सभी कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना जरूरी है और समेकित रूप से इसका अनुश्रवण विश्वविद्यालय स्तर पर करने की बात कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसी आधार पर वेतन की राशि महाविद्यालयों को विमुक्त की जाए। मंदार रोपवे पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इतिहास में नदियों और पर्वतों की विशेष भूमिका रही है और बिहार के बांका जिले में ऐसा ही एक पर्वत है जो विश्व सृष्टि का एकमात्र मूक गवाह है। पौसी से करीब 5 किलोमीटर उत्तर में मंदार पर्वत स्थित है जिसकी ऊंचाई करीब 700 फीट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पर्वत बहुत पवित्र है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इसका संबंध अमृत मंथन से है, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व है और यह श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। बौंसी की पहचान मंदार पर्वत से तो है ही, लेकिन अब इसकी पहचान एक और चीज से होती है, वो है रोपवे। मंदार का रोपवे बिहार का तीसरा रज्जू मार्ग है। सबसे पहला रोपवे बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में 1969 में बनाया गया था, जबकि रोहतास किला पर जाने के लिए भी रोपवे का निर्माण किया गया है। यह बिहार का दूसरा रज्जू मार्ग था। अब मंदार में रोपवे बिहार का तीसरा रोपवे है जो यहाँ के लोगों के लिए सपना था। यहाँ रोपवे का आकर्षण सैलानियों को अपनी ओर भारी संख्या में खींचने का काम कर रहा है। 5 से 15 अगस्त तक देश की सभी संरक्षित स्मारकों पर निःशुल्क प्रवेश। देशभर में पूरे एक साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं अब आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी देशभर में जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने आम लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस मौके पर केंद्र की संस्कृति मंत्रालय ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संचालित देश की सभी संरक्षित स्मारकों पर 5 और 15 अगस्त के बीच मुफ्त प्रवेश रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला अपने आप में एक बड़ा फैसला है। यह उन पर्यटकों को आकर्षित करेगा जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन संचालित संरक्षित स्मारकों का दीदार करना चाहते हैं। किसी भी पर्यटक को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट हुआ बिहार स्वास्थ्य विभाग। कोरोना का खतरा कम हुआ नहीं कि देश भर में अब मंकी पॉक्स के खतरे ने आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है। बिहार में मंकी पॉक्स वायरस के संभावित संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मंकी पॉक्स की जाँच के लिए एक मरीज के साथ अलग अलग सैंपल लिए जाएंगे। बिहार में फिलहाल मंकी पॉक्स जाँच की सुविधा नहीं है। मंकी पॉक्स के लिए बिहार के सभी जिलों में तैनात एपिडेमोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी गई है। मरीजों के घाव और ब्लड के साथ सैंपल लिए जाएंगे। मरीज के सैंपल को 3-लेयर पैकिंग में जांच के लिए भेजना होगा। भूमि सुधार मंत्री ने 15 दिनों में सभी आरोपित अधिकारियों पर कार्रवाई का दिया आदेश। भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने के आरोप में सीओ, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी समेत अन्य स्तर के तकरीबन 150 कर्मियों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। हाल में विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ मिलकर अब विभागीय कार्यों की समीक्षा की तो पता चला कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ शिकायतें 3 से 5 साल पुरानी हैं। इसके बाद भूमि सुधार मंत्री ने कर्मियों के खिलाफ लंबित पड़े इतने अधिक मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है और 15 दिनों में सभी लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा है।
शिक्षक अभ्यर्थियों ने सीएम और शिक्षा मंत्री के आत्मशुद्धि के लिए किया हवन। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन इन अभ्यर्थियों का गुस्सा चरम सीमा पर देखने को मिला। हद तो तब हो गई जब इन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आत्मशुद्धि के लिए हवन करना शुरू कर दिया। दरअसल सातवें चरण के नियोजन की मांग को लेकर लगातार चार दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बिहार के विभिन्न जिलों से आए सीटीईटी और बीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से खफा शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना स्थल पर हवन किया और कहा कि यह हवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आत्मा शुद्धि करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, जिससे उनके आत्मा शुद्ध हो और जल्द से जल्द सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तिथि की घोषणा करें। बिहार में कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ जैसे हालात। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश कई जिलों में बाढ़ तो कई जिलों में सुखाड़ जैसी हालत बन गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में बताया जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से मानसून रुक गया है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना से मौसम विभाग इनकार कर रहे हैं। प्रदेश में बारिश को लेकर किसी तरह का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अब एक बार फिर से प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। प्रदेश में एक तरफ जहां सुखाड़ जैसे हालात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। बता दें कि गंगा और कोसी नदियां इन दिनों उफान पर हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद से बिहार के इन नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। अब आसान होगा इस जिले से पटना और झारखंड का सफर। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में बिहार के प्रत्येक जिलों की दूरी राजधानी पटना से महज 4 से 5 घंटे की ही रह जाए। इसी कड़ी में बिहार के अरवल जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अरवल के लोगों के लिए अरवल से राजधानी पटना और झारखंड जाने का रास्ता काफी आसान हो जाएगा और सहूलियत के साथ पहुंचा जा सकेगा। दरअसल पटना के अनिसाबाद से लेकर झारखंड के हरिहरगंज तक फोर लेन सड़क बनाने का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए निविदा भी निकाल दी गई है। 24 अगस्त तक इसके लिए निविदा डाले जाएंगे। चयनित एजेंसी से करार के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। तेजस्वी यादव का बीजेपी को खुला चैलेंज। तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। बीते दिन सुबह सुबह उन्हें ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार देश को बेच रही है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर हमलावर हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि बीजेपी की अकेले चुनाव लड़ने की औकात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की औकात कहाँ है कि वो हमारी चुनौती स्वीकार कर सके। वहीं तेजस्वी ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी का हर एक सिपाही इनके डराने और खरीदने से बिकने वाला नहीं है। हम लोग लड़ना पसंद करेंगे और लड़कर मरना पसंद करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने 2013 को जर्मनी में संपन्न हुए विश्व कप में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। कश्मीर के लेह में 2010 को बादल फटने के तथा उसके बाद आई बाढ़ में 115 लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल के राजा महाराजा नंद कुमार को 1775 में कलकत्ता में फांसी दी गई। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में धोखाधड़ी के लिए दी गई यह अंतिम फांसी थी। उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रवादी आचार्य प्यारे मोहन का जन्म 5 अगस्त 1852 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा का जन्म 5 अगस्त 1901 को हुआ था। प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 1947 को हुआ था। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री काजोल का जन्म 1975 को हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता वत्सल सेठ का जन्म 1980 को हुआ था। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा का जन्म 1987 को हुआ था। बारबाडोस को रौंद कर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। बारबाडोस के खिलाफ मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 100 रनों से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बारबाडोस के खिलाफ जीत के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज में दूसरे पायदान पर खत्म किया। टॉप पर 3 मैचों में 6 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत 2 जीत के बाद 4 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर खड़ी है। भारत ने इससे पहले पाकिस्तान को हराया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके हार मिली थी। इस शनिवार 6 अगस्त को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। ट्विटर अकाउंट हैक होने से ऐसे बचे। आजकल सोशल मीडिया हैकर घात लगाए बैठे होते हैं। ऐसे में आपकी एक गलती और आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपना ट्विटर अकाउंट वेरीफाई करना चाहते होंगे, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि ट्विटर अकाउंट वेरीफिकेशन के साथ ही आजकल बड़ा स्कैम चल रहा है। जैसे ही आपका ट्विटर अकाउंट वेरीफाई होगा, उसके कुछ ही सेकेंड बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जो कि ट्विटर सपोर्ट टीम के नाम से आएगा, जबकि वास्तव में यह मैसेज ट्विटर सपोर्ट टीम की ओर
से नहीं है बल्कि स्कैमर की ओर से आएगा। इस मैसेज में आपसे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र मांगा जाएगा। आपके लिए टिप्स के तौर पर जरूरी है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करें। इसके अलावा ट्विटर सपोर्ट के नाम से आए या फिर ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना दें जिसमें आपसे निजी जानकारी मांगी जाए। जुलाई में बिहार का जीएसटी कलेक्शन घटा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार केंद्र का जीएसटी संग्रह पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, लेकिन बिहार के में पिछले साल के मुकाबले जुलाई में जीएसटी संग्रह घटा है। 2021 जुलाई में 1281 करोड़ जीएसटी के रूप में संग्रह की गई थी, लेकिन इस साल जुलाई में घटकर 1264 करोड़ हो गया है। पिछले साल अप्रैल में भी जीएसटी संग्रह 1508 करोड़ था, इस साल अप्रैल में यह घटकर 1471 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि इस बीच मई और जून में जरूर बढ़ा है। जुलाई महीने में देश के अधिकांश राज्यों में जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में जीएसटी कलेक्शन घटना, अर्थशास्त्र भी इसे चिंताजनक बता रहे हैं। इसी महीने लॉन्च होगा एयरटेल का 5G नेटवर्क। भारत के प्रमुख कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर भारती एयरटेल ने बीते दिन इस बात की घोषणा की है कि वह अगस्त 2022 में 5G सेवाएं शुरू करेगा। इसके लिए कंपनी ने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ 5G नेटवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिया है। एयरटेल के एरिक्सन और नोकिया के साथ कनेक्टिविटी और पूरे भारत में अपनी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए पहले से ही साझेदारी चली आ रही है, जबकि सैमसंग के साथ साझेदारी इस साल से होगी। यह 5G साझेदारी भारत में दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी के तुरंत बाद हुई है। बिहार के इन जिलों में देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। बता दें कि विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या के मामले में बिहार देश में 9वें स्थान पर है। बिहार में अगर हम पर्यटन स्थानों का जिक्र करें तो राजगीर में सबसे ज्यादा यात्री आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे स्थान पर नालंदा में यात्री आते हैं। बता दें कि यह स्थान नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। वहीं तीसरे स्थान पर बोधगया रहा, जबकि राजधानी पटना सैलानियों की पसंद के मामले में चौथे स्थान पर आ रहा है। बता दें कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए यात्रियों की संख्या में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब जब कोरोना के मामले में कमी आई है तो प्रदेश में देशी और विदेशी सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि जनवरी से जून के बीच में इस साल 27,70,446 सैलानी देश से आए हैं, तो वहीं 7,590 यात्री विदेशी से आए हैं। मुकेश सहनी ने जिला कमेटियों की बैठक में रणनीति सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के तमाम प्रयासों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुकेश सहनी ने पटना के स्ट्रैंड रोड स्थित जुबा सहनी सभागार में पार्टी के मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, छपड़ा, सिवान एवं गोपालगंज के जिला कमेटी के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुकेश सहनी ने आगामी रणनीति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुकेश ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए अभी से ही राज्य के हर जिले में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं को तैयारी करने का निर्देश दिया जा रहा है। इस दिन से चलेगी रामेश्वरम धाम के लिए तीर्थ स्पेशल ट्रेन। आने वाले दिनों में तीर्थ यात्रा पर जाने का कर रहे हैं प्लान, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि रेलवे आपके लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा देने जा रहा है। हालांकि यह सुविधा रेलवे लगातार लगभग 16 वर्षों से दे रही है। मालूम हो कि शीतकालीन छुट्टियों में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाले श्री त्रिपुर तीर्थ यात्रा सेवा समिति के तत्वाधान में तीर्थ यात्रा का आयोजन रखा जाता है। इसी कड़ी में इस साल 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक 11 दिनों का तीर्थ यात्रा का आयोजन रखा गया है, जो कि कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग होकर रामेश्वरम धाम तक जाएगी। यात्रा के दौरान श्री रामेश्वरम धाम ज्योतिर्लिंग, श्री तिरुपति बालाजी, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्री मदुरई मीनाक्षी देवी, श्री कन्याकुमारी के दर्शन के अवसर मिलेंगे। बिहार में मिले कोविड-19 के 200 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 172 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1060 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 5, अरवल, बांका और बेगूसराय में 1, भागलपुर में 5, भोजपुर, बक्सर और दरभंगा में 1, गया में 1, गोपालगंज में 3, जमुई में 2, खगड़िया, किशनगंज में 1, लखीसराय में 2, मधुबनी में 3, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा और नवादा में 1, पटना में 68, पूर्णिया में 11, रोहतास में 4, सहरसा में 10, समस्तीपुर में 1, सारण में 5, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 3, सुपौल में 13 और वैशाली में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। 3 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,11,400 सैंपल की जाँच की गई है, जिसके बाद 285 मरीज
ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, रामनंबी मांझी, बिट्टू कुमार, नूनू कुमार, ओमकार सिंह, विजय घायल, पिंटू कुमार, भरत प्रसाद, चंद्रभूषण कुमार, श्रीराम पंडित, प्रीतम सिंह और एस निशा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि देश के साथ साथ बिहार में बढ़ती महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।